देख रहा है एक अकेला कितनों को खारिज कर रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के पैसे आज खाते में आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक वाक्य देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान जब अमित शाह के सामने मंच शेयर कर रहे थे, उस समय लाडली बहनाओं ने ज्यादा तालियां बजाई। किसके लिए तालियां बजाई ये वीडियो को देखिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे लाडली बहना, किसान सम्मान निधि और शिक्षकों की बातें। उत्साह नजर आया। गृह मंत्री अमित शाह जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी प्रबुद्ध जनों के स्वागत के साथ मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम माननीय अमित शाह जी का हम स्वागत करें। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता। जनता का प्यार और उत्साह देखकर जहां शिवराज सिंह चौहान भाव विभोर और गदगद हो गए, तो वहीं उनकी लोकप्रियता देखकर गृह मंत्री शाह और मंच पर उपस्थित बीजेपी नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, तरक्की की नई गाथा। नवाचार के साथ नए सोपान स्थापित करता हृदय प्रदेश। डबल इंजन सरकार, अधोसंरचना विकास के हर संकल्प को कर रही पूरा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज वर्चुअली जुड़कर मध्य प्रदेश को ₹17,000 करोड़ से अधिक की लागत की 37 विकास परियोजनाओं की मिली सौगातें। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रही गरिमामयी उपस्थिति। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का हुआ लोकार्पण। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी हुआ औपचारिक शुभारंभ। विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजन सरकार खेती, उद्योग और टूरिज्म, इन तीनों पर बहुत बल दे रही है। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है। जब सुशासन की बात होती है तो हमारे यहाँ राजा राम से उनका राम राज्य की बात आती है। विक्रमादित्य का सुशासन 2000 साल पहले होता है। मुझे इस बात की प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं होगा। आज भी आपके नेतृत्व में सुशासन की धमक दुनिया देख रही है, मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष से आनंद है। और आज के इस आयोजन में सम्राट विक्रमादित्य का वो सुशासन याद करते हुए उस विक्रमोत्सव की शुरुआत भी आप करेंगे, मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समृद्धि का प्रतीक उन्नत मध्य प्रदेश। आज आपके लिए बहुत बहुत सारी ऐसी बातें हम बताने जा रहे हैं जो विश्व में पहली बार होने जा रही हैं, लेकिन एक बात तो ऐसी हो रही है जो हर महीने हो रही है। हर महीने क्या हो रहा है भैया? लाडली बहनाओं को मिल रहे हैं पैसे, ठीक है, और लाडली बहनाओं को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, आज डेट अलग है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं लाडली बहनाओं की तरफ से। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, मध्य प्रदेश में नई नई योजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है। साथ ही साथ सीएम मोहन यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण किया गया है। डिंडोरी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। डिंडोरी हादसा आज वास्तव में हृदय विदारक घटना हुई है, उस पर हम बात करेंगे। लाडली पत्नियों के लिए खुशखबरी और लाडली बहनाओं के लिए एक मार्च से बहुत बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। पहली बात तो हम बताने जा रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश अब पूरे विश्व में किसी एक चीज के लिए जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा वो बताऊंगा। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा, और हां कल 1 मार्च से कई सारी बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें से एक तो गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखा जाएगा। अब मध्य प्रदेश में बिना सब्सिडी का गैस सिलेंडर जो है वो ₹918 का मिलेगा, जो पहले ₹932 का मिलता था, ठीक है। तो गैस सिलेंडर सस्ते होने जा रहे हैं। उसके बाद लाडली बहनाओं की जो किस्त है वो आपकी 1 मार्च से पहले कब मिलती थी,
दस तारीख को मिलती थी, पहले कब मिलती थी, दस तारीख को मिलती थी, उसके बाद दस तारीख को मिलती थी, अब ये एक मार्च से मिलना शुरू हो जाएगी। एक मार्च का मतलब यह है कि जो पहले आपके लिए मिलता था, 10 तारीख को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी लाडली बहनाओं के लिए 1250 रुपए, जी हाँ, अभी क्या मिलेंगे, 1250 रुपए मिलेंगे, जो लोकसभा चुनाव में सुनने में आ रहा है कि ये 1300 मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम आपके लिए एक बड़ी बात बताने वाले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी शिलान्यास करने जा रहे हैं। विश्व में पहली बार एक वैदिक घड़ी बनने जा रही है, और वैदिक घड़ी की डिटेल आपको सुननी चाहिए, यह बहुत आवश्यक जानकारी है। सभी माताएं बहनें, सभी जो भी बच्चा ये देख रहा है वीडियो, चाहे वो एमपी का हो या एमपी के बाहर का हो, ये वैदिक घड़ी के लिए विश्वविख्यात घड़ी बनने वाली उज्जैन में इसका शिलान्यास होने जा रहा है, तो देखिए इस वैदिक घड़ी की पूरी जानकारी। उसके बाद लाडली बहनों, किसानों और मुख्यमंत्री की स्वस्थ योजनाओं के लिए लेकर मैं थोड़ी देर से आने वाला हूं। भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में देश में जिस तरह से सांस्कृतिक अभ्युदय हुआ है वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में विक्रमोत्सव इस बार भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस उत्सव में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी किया जाएगा। आइए जाने वैदिक घड़ी की विशेषता और इसका महत्व। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है, जिसे वैदिक काल गणना के समस्त घटकों को समवेत कर बनाया गया है। इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित रहेगा। विक्रम संवत, मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ, मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आकाशस्थ ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों का परिभ्रमण इसमें स्वाभाविक रूप से समाहित होंगे। भारतीय कालगणना विश्व की प्राचीनतम, सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय पद्धति है। काल परिमाण की इस सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रारंभ किया जा रहा है। उज्जैनी की स्थापना सृष्टि के आरंभ से ही मान्य की जाती रही है। दुनिया भर में उज्जैनी से निर्धारित और प्रसारित कालगणना नियामक रही है। भारतीय खगोल सिद्धांत और ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों की गति पर आधारित भारतीय कालगणना में समय के न्यूनतम अंश का भी समावेश किया जाता है। इसके गणना में परमाणु से लेकर कल्प तक का विचार है। मुहूर्त, घटी, पल, कास्ता, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, अयन, संवत्सर, दिव्य वर्ष, मन्वंतर, युग, कल्प, ब्रह्म मुख्य आधार हैं। हमारे दृष्टा ऋषियों ने काल की चक्रीय अवधारणा को प्रतिपादित किया है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की व्यवस्था निरंतर है और यह चक्र शाश्वत रूप से आते जाते हैं तथा इनकी आवृत्ति पुनरावृत्ति होती रहती है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी VST इक्वल्स टू 1. तो हमारा मध्यप्रदेश एक नई उपलब्धि छूने जा रहा है, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे कि 17,000 से ज्यादा करोड़ रुपए, 17,551 करोड़ रुपए की परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश को दी जा रही हैं, जिनमें बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं हैं। 29 फरवरी को आज 4 बजे लाल परेड ग्राउंड भोपाल में माननीय मोदी द्वारा एक बड़ी सभा की गई और उसके माध्यम से ये सब लोकार्पण किए गए। तो आइए देखते हैं आज मोदी जी ने मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहा। मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जो लोग घायल हैं, एक्चुअली मोहन यादव जी ने आज इस लोकार्पण के मौके पर कुछ बोला है और मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री जी ने घायलों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बता दें आपको कि जो आज लोकार्पण हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने क्या कहा, और इसके पहले
लाडली बहनाओं के लिए मोहन यादव जी ने क्या कहा कि 1 मार्च से आपको क्या मिलने वाला है, देखिए लाडली बहनाओं के लिए बड़ी खबर। या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे, ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। या हमारे तो मोहन यादव जी ने साफ साफ कह दिया है कि 1 तारीख को पैसे आएंगे, लेकिन बढ़के कब तक आएंगे इस पर लगातार विपक्ष घेर रहा है। कल भी हमने एक वीडियो दिखाया था, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि 3,000 का वादा करके 1,250 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज सीएम मोहन यादव का बड़ा ध्यान आपने देख ही लिया है लाडली बहनाओं के ऊपर। अब मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ से अधिक का विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है, इसको लेकर मोहन यादव जी ने भी कुछ बोला है आपके लिए। तो आज 17,000 करोड़ रुपए से मध्य प्रदेश में विकास लगातार किसानों और लाडली बहनाओं और छात्रों के ऊपर खर्च किया जाएगा, इसको लेकर मोहन यादव जी को बड़ा बयान हुआ है, ये देखिएगा। या हमारी लाडली लक्ष्मी बहने, मुझे इस सरकार बनने के साथ मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी मौजूदगी के माध्यम से आज हमारे बीच में से ऐसे कई नए नवाचार के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जहां हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं कि गांव के विकास हो, गांव के विकास में खास करके बिजली, पानी, सड़क, बाईपास, ये सारे के सारे अलग अलग काम जिनमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि इसीलिए रखी गई है। एक और जहां अपने गांव के विकास की बात आपकी मौजूदगी में आज एक नया आयाम लेगी, वहीं दूसरा शहर में विकास को लेकर के, क्योंकि केवल अब हमारे पास कृषि विकास में एग्रीकल्चर को लेकर के जितना काम हुआ है उससे आगे बढ़कर के शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की नई रचना बनाने के लिए हमने क्षेत्रीय विभिन्न प्रकार की समिट की घोषणा की है, और आज आपके माध्यम से उज्जैन की एक क्षेत्रीय समिट जिसके माध्यम से उद्योगों की नई श्रृंखला मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी, उसका भी आज औपचारिक शुभारंभ होगा। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इस नाते से भी, जहाँ हमने आधुनिक विकास को लेकर के नए आयाम बनाने का निर्णय किया है, वहीं आपकी मौजूदगी में पिछले समय जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व खास करके बाबा महाकाल के महालोक के बाद 13-13 अलग अलग प्रकार की धार्मिक गतिविधियों का हमने हमारे अपने, चाहे ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, सलकनपुर का मंदिर हो, कटनी की महियर की माता का स्थान हो, सभी स्थानों पर विकास के समान रूप से काम किए, लेकिन यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे सभी प्रकार के पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी विविध आयामों का एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है। मुझे तो आज वैदिक घड़ी का उद्घाटन भी हो गया, 17,000 करोड़ रुपए की योजनाएं भी हो गई, लाडली बहनाएं कल से बहुत ज्यादा खुश होने वाली हैं क्योंकि उनके खाते में सीधे पैसे आएंगे। लेकिन एक तरफ लाडली बहनाओं का मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूं जो मोहन यादव जी के अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान को फिर से बनाए जाने की, देखो कुछ दिन पहले ये बात उड़ी थी, दमोह साइड से खबरें आ रही थी कि वहां की महिलाएं अब आंदोलन करने वाली हैं, और उस आंदोलन को अब ये प्रस्तावित है 10 मार्च के बाद लाडली बहनाएं आंदोलन करेंगी। इसके पीछे दो रीजन है, एक रीजन तो यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वापस से मामा बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, और दूसरा मामा को मुख्यमंत्री बनाओ, और दूसरा किसान और ये महिला की जो निधि है लाडली बहनाओं की वो 1,500 रुपए की जाए, इसको लेकर लाडली बहनाएं फिर से आंदोलन की चेतावनी दे रही है, देखिए यह वीडियो। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा भैया शिवराज वापस नहीं आएगा तो हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे। हमारा श्रीमान नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है कि हमारे भाई मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, शक्ति पद पे से क्यों हटाया गया है, उन्हीं को पद पे वापस ले आए। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा भैया शिवराज वापस नहीं आएगा तो हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे, खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे, अपना घर परिवार भी छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग चाहते कि हमारा सीएम मुख्यमंत्री सिर्फ शिवराज सिंह चौहान होना चाहिए,
क्योंकि उनके पीछे हमारे परिवार में हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारा मान सम्मान बढ़ा है, उनने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, उनने अन्य दिन अन्य तो बहुत सारा उन लोगों ने हमारों की इज्जत बढ़ा दी है कि पूरे परिवार में उनने हमारे लोग के साथ बहुत अच्छा किया है, उन मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, उनने हम लोग को ज़रूरत थी जब उनने पैसे प्रदान किए, आज उन उनके लिए सिर्फ हम लोग ने इसलिए जिताया है कि उनने हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं। आज हम लोग बीमार हैं तो हम लोग पैसे लेने के किसी से आगे हाथ नहीं फैलाते, हम लोग के पास कुछ स्वयं पैसे हैं तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हमारा भैया ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। रंजना कुड़ेरिया है, हमें उन्हीं को पद पर रहना है, पद पर से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम और लाडली योजना निकाली है, सब सुविधा दी है, इसलिए हम लोग उनको पद पे से नहीं हटा सकते। पद पे से क्यों हटाया गया है, उन्हीं को पद पे वापस ले आए। सर मैं ये चाहती हूँ कि शिवराज भैया हमारे ज्यों की त्यों वापस आए, हम लाडली बहनों को उन्हें बहुत सुविधाएं दी हैं, हर चीज़ से हर समस्याएं से हल की हैं उनने, हम बहनों को उन्हें तीर्थ कराए हैं, हम लोग सभी बहनें चाहते हैं कि शिवराज भैया वापस आए, हम लोग सभी की इच्छा है, सब बहनों लाडली बहनों की इच्छा है कि शिवराज भैया वापस आए। हम लोग को यही लगता है, हम लोग इसलिए पूजन पाठ सुंदरकांड हर चीज कर रहे हैं, उनके लिए पूरी भक्ति भाव से समर्पित हैं हम लोग यही चाहते हैं कि शिवराज भैया फिर से मुख्यमंत्री बने और हमारी समस्याएं पूरी सुने वो, और हम लोग के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहें। ममता आशाटी शिवराज सिंह भैया के लिए दोबारा बुलाना चाहते हैं, उनके लिए उन्हीं को वोट दी थी और उन्हीं के लिए हटा दिया है, हम लोग के लिए बहुत दुख हुआ है इसलिए। हालांकि ये महिलाओं ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लगभग 2 से 3 महीने पहले चेतावनी दे दी थी। तो आपको क्या लगता है, मामा को शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या मोहन यादव के काम से आप खुश हैं? क्या मोहन यादव जिस प्रकार से एक्शन ले रहा है उससे आप खुश हैं? हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी बेरोजगारी को लेकर भी मामला उठाया गया था, जिसको लेकर पीबी द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, पीबी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। अब पीबी के कैलेंडर से याद आया मुझे कि 4 से 5 जॉब्स हैं जो इस बार आने वाली हैं, क्योंकि हमने खुद आंदोलन करके जॉब लेकर आने की ठानी थी, तो वो जॉब के कैलेंडर में कब कब कौन कौन सी वैकेंसी आएगी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले डिंडोरी के हादसे पर हमारे पीएम ने क्या वक्तव्य दिया है उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम छात्रों की बात भी करेंगे। मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जो लोग घायल हैं, उनके उपचार की हर व्यवस्था सरकार कर रही है। दुख की इस घड़ी में मैं मध्य प्रदेश के लोगों के साथ मैं। तो लाडली बहनाओं को लेकर अब लगातार बहनाएं भी घेर रही हैं। किसान सम्मान निधि कल पीएम मोहन यादव ने किसान के खाते में डाल दी है, अब किसान और बहनाएं तो खुश हो गई, लेकिन छात्रों को खुश कैसे किया जाए इसको लेकर पीबी कैलेंडर जारी करने वाला है, जिसको यस भी हो गया है। ये आपका कैलेंडर जो है ये पेपर में आ चुका है, लेकिन आने वाली भर्तियों को लेकर कब कब आप पढ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, इस पर मैं 5 मिनट में आपसे बोलूंगा लास्ट में। लेकिन उसके पहले आपको एक बात बता दें कि सीएम बनने की बात क्यों आगे आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के तेवर हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखा रहे हैं उसको आप देखिएगा। और हाँ, सभा में तालियां भी बचती है ना, तो अब मोहन यादव जी से ज्यादा तालियां बचती है किसके ऊपर, शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर। तो अब देखने में आ रहा है चौहान साहब के तेवर देखिए, लोकसभा के चुनाव के पहले वो किस तरीके से जनता से बात कर रहे हैं। एक तरफ मोहन यादव बोल रहे हैं कि डीजे मत बजाओ, आवाज मत करो, लेकिन मामा क्या कह रहे हैं इनको देखिएगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप तांसे बजाओ जी, कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। भी दौड़ते हैं हमारे मारने भी दौड़े थे हमको, कौन वो एक पुलिस वाले थे जो हमको मारने बजाओ, मैं आज कट के जाऊं जी, शादी आदि में कोई ढोल बजाने की रोक नहीं जी, बस ढोल पे थोड़ी है, हां तो हमें मारने दौड़ते हो, बैंड का भी रहेगा, आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप तांसे बजाओ जी, कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। हमने जो बोला कि बैंड बजाने की छूट है, और क्या बोला उन्होंने, बजा जो भी रोकेगा मैं रोकने की सब बोला,
किस प्रकार से परेशानी आ रही थी आपको? मतलब परेशानी ये कि मतलब बजाने पर रोक लग रही थी, पुलिस वाले परेशान कर रहे थे, बजान नहीं दे रहे थे। परिवार के लालन पोषण में क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी उसके सिवा कोई बिजनेस ही नहीं, दूसरा रोजगार ही नहीं अपना उसके बिना। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि लाडली बहनाओं को, किसानों को तो खुश कर दिया इनने, लेकिन बच्चों के लिए खुश करने के लिए एक आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, बच्चों खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया है, चलिए देखिए। ये देखिए दिसंबर तक एग्जाम होंगे और शेड्यूल जो बनाया जा रहा है इसमें महिला पर्यवेक्षक वर्ग दो मेंस आपकी अगस्त में होने वाली है, साथ में महिला पर्यवेक्षक होने वाली है, साथ में समूह 2, समूह 5 और समूह 4 की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो जो एग्जाम होंगे महिला बाल विकास के लिए, इसके लिए मैं महिला बाल विकास की अगर बात करूं तो इसके लिए हमारी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक की क्लास चालू हो चुकी है, इसकी बुक्स भी अवेलेबल हैं, ये हमारी पूरी टीम है जो लगातार आपको पढ़ाती है, फ्री में हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कुछ क्लासेस लगातार चल रही हैं, इनका शेड्यूल देख लीजिए। साथ में महिला पर्यवेक्षक की अलावा हमारी MPPSC की स्पेशल बैच चल रही है, MPPSC DSA यूट्यूब चैनल पर आप ये देख लीजिए। साथ में आप देखोगे ये दो किताबें जो हैं इन दो किताबों को आप ऑर्डर कर सकते हैं मात्र ₹499 में, और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी कितने ₹100 डिलीवरी चार्ज। तो ये दो किताबें आप मंगवा सकते हैं, साथ में ठीक है, मैं किताब दिखा भी देता हूँ। ये MCQs की किताब है एक, और एक थ्योरी की किताब है, ये घर बैठे आप मंगा सकते हैं, महिला पर्यवेक्षक की बुक्स हैं। तो अगर आपको महिला पर्यवेक्षक बनना है तो आपका सितंबर में इसकी एग्जाम होगी, ये आपका पेपर में कटिंग आ चुकी है, ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और हाँ, आपके मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कई सारी क्लासेस आपको मिलती हैं, PDF वहां मिलती है। तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करोगे, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको जाके हमारी एप्लीकेशन सर्च करनी है। क्या सर्च करोगे, दीप्ति सिंह एकेडमी, और ये आपको सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई करें और आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो ये आपके लिए पेड कोर्स और अवर बुक्स, ये सेक्शन आपके काम के हैं। कोर्स लेना हो तो पेड कोर्स में चले जाना, ₹888 में कोर्स मिल रहा है, और किताबें आपको ₹550 में घर पहुंच जाएंगी, अवर बुक्स में जाके ऑर्डर कर देना, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पर आपको न्यूज समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको हमारी न्यूज अच्छी लगी होगी, और आज आपके लिए कल जो माताओं बहनों को पैसे मिलने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और किसान के लिए एक नई योजना और नई लाडली बहना योजना, नल लक्ष्मी योजना के बारे में कल शाम को 5 बजे इसी चैनल पर आऊंगा लाइव।